के साथ बदसलूकी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया। आप विधायक के खिलाफ 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिसके बाद दिल्ली में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अपने विधायक की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल पीएम मोदी पर तो हमलावर रहे ही, मामले को दलित उत्पीड़न और गुजरात से भी जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आनंदीबेन गुजरात में दलितों पाटीदारों को झूठे केस में जेल भेजती है और मोदी जी दिल्ली वालों को झूठे केस में जेल भेजते हैं। दिल्ली गुजरात अब मिलकर लड़ेंगे। वहीं आप समर्थकों ने जामिया नगर थाने पर पहुंचकर विधायक को सामने लाने की मांग की। उन लोगों ने सड़क भी जाम कर दिया। इसके अलावा बदरपुर बॉर्डर के पास भी आप समर्थकों ने गिरफ्तारी के विरोध में सड़क जाम किया। बिहार में सीवान के बीजेपी MLC टुन्ना पांडे को हाजीपुर GRP ने रविवार अहले सुबह छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अप पूर्वांचल एक्सप्रेस की AC2 बोगी A1 में सफर कर रहे थे। उनके बगल के बर्थ पर अपने पिता के साथ सफर कर रही 12 साल की एक लड़की ने MLC पर छेड़खानी का आरोप लगाया। इस मामले में MLC पर FIR दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए MLC टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पांडे ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि वो अपना चार्जर निकाल रहे थे, तभी लड़की ने शोर मचा दिया। आम आदमी सेना ने एक बार फिर से दस्तावेजों के साथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप है कि घोटाला एम्बुलेंस की खरीद फरोख्त में किया गया है। आम आदमी सेना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 12 लाख के एम्बुलेंस के लिए सरकार ने 23 लाख रुपए के हिसाब से कीमत चुकाई। इस तरह हर एक गाड़ी पर 10 लाख रुपए से अधिक का घपला हुआ। सरकार ने 110 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट बफला हेल्थ केयर को दिया था। इसके मुताबिक अब तक 55 एम्बुलेंस की सप्लाई हो चुकी है। आम आदमी सेना के मुताबिक इस घपले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और हाल ही में परिवहन मंत्री का काम संभालने वाले सत्येंद्र जैन का सीधा हाथ है। सेना अपने सारे दस्तावेजों और अन्य सबूतों के साथ 2 दिन बाद मामले को CBI के पास ले जाएगी। कश्मीर में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद भड़की हिंसा से घाटी में अब भी तनाव व्याप्त है। रविवार को 16वें दिन भी घाटी में कर्फ्यू जारी रहा। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में फैले तनाव को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये पाक का पाखंड है कि वो अपने यहाँ के बच्चों को बंदूक उठाने पर सजा देता है। वही कश्मीरी युवाओं के बंदूक उठाने का महिमा मंडित करता है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश जो देश कहता है कि वो आतंकवाद का शिकार है, वही कश्मीर के युवाओं के बंदूक उठाने की सराहना करता है। जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि अफ़स्पा तुरंत हटाना चाहिए, लेकिन प्रयोग के तौर पर इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी सरकार के कई मंत्रियों के साथ रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ घाटी में हिंसक झड़पों के बाद यहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए 2 दिन की कश्मीर यात्रा पर आए हैं। इन झड़पों में 40 लोग मारे गए और 3400 अन्य लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्री द्वारा सत्ताधारी PDP, BJP और विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात किए जाने के बाद महबूबा के नेतृत्व वाली सरकार प्रतिनिधिमंडल ने सिंह से मुलाकात की। कश्मीर के 5 जिलों में और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू अब भी लगा हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि घाटी में स्थिति अब तक शांतिपूर्ण है। आतंकी कमांडर बुरहान वानी के एक एनकाउंटर में मारे जाने के 1 दिन बाद प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में शनिवार को जैन संत की बातों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। भोपाल से पैदल विहार कर उज्जैन चातुर्मास के लिए पहुंचे दिगंबर जैन मुनि निर्भय सागर जी महाराज ने मीडिया के सामने लड़कियों की शादी की उम्र, हर जैन परिवार को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत, लड़कियों के पहनावे, लव जिहाद आदि मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लड़कियां टाइट जींस पहनती हैं तो उनमें वासना की प्रवृत्ति होती है, घर्षण होता है और उत्तेजना बढ़ती है। 16 साल की उम्र में शादी नहीं करने के कारण वे लड़कों की तरफ आकर्षित हो जाती है और अवैध संबंध बनाती है। खासकर लड़कियों को अपने कपड़ों पर ध्यान रखना चाहिए।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा दयाशंकर सिंह को दोनों पार्टियों के मिलीभगत के कारण ही अब तक पकड़ा नहीं गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नेताओं का बचाव किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। मायावती ने कहा बसपा ने दयाशंकर की गिरफ्तारी को लेकर जो समय दिया था वो अब खत्म हो गया। इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अब हम एसपी और बीजेपी के मिलीभगत का खुलासा करेंगे। इसकी शुरुआत 21 अगस्त को आगरा से महारैली के रूप में की जाएगी। गुजरात के राजकोट में दलित युवक से मिलने गए राहुल गांधी की सिक्योरिटी में ढिलाई का बड़ा मामला सामने आया है। ऊना में दलित युवकों के घर सांत्वना के लिए गए राहुल गांधी वहां पीड़ित की फर्जी मां से मिलकर आ गए। ऊना में हुई दलितों की पिटाई के बाद राहुल गांधी यहां पहुंचे थे। हमदर्दी के लिए राहुल गांधी राजकोट सिविल अस्पताल गए तो वहां पीड़ितों की मां बनी महिला से मिले, जहां उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और सांत्वना के लिए गले भी लगाया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष की सुरक्षा में हुई चूक के बाद अब कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस से सफाई मांगी है। कांग्रेस और राहुल की सुरक्षा करने वाले एसपीजी के लिए किसी फजीहत से कम नहीं। जहां राहुल गांधी का दौरा होने वाला था वहां एक ऐसी महिला पहुंची हुई थी जिससे उसका होना गैर जरूरी था। ये मामला पूरी तरह से सुरक्षा की चूक का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दलित समुदाय के लोगों पर हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेतृत्व पर इस तरह के कृत्यों को सहयोग देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री मोदी दलितों पर हो रहे हमलों पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह के हमले शीर्ष बीजेपी नेतृत्व के सहयोग से ही हो रहे हैं। केजरीवाल ने शुक्रवार को गुजरात के ऊना का दौरा कर दलित पीड़ितों से मुलाकात की थी। कथित गोरक्षकों ने इन दलितों को मृत गाय की खाल निकालने के आरोप में जमकर पीटा था। केजरीवाल ने इस घटना के लिए गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने अंडर 20 जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। पोलैंड के बेडगोज में चल रही अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने 86.48 मीटर भाला फेंका, जो इस कैटेगरी में नया विश्व रिकॉर्ड है। इसी के साथ पहली बार भारत की झोली में इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल आया है। नीरज ने विश्व रिकॉर्ड को करीब 2 मीटर के फासले से तोड़ दिया। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चोपड़ा से पहले यह रिकॉर्ड लातविया के जिंगी मुंडस श्रीयमर्स के नाम था, जिन्होंने 84.69 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं। इस रिकॉर्ड के साथ ही नीरज चोपड़ा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के किसी भी स्तर पर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। रियो ओलंपिक में भारत की ओर से गए भारतीय पहलवान नरसिंह यादव नाडा द्वारा कराए गए डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। इससे उनका ओलंपिक में खेलना मुश्किल में पड़ गया है। इस खबर के बाद पहलवान सुशील कुमार के कोच सतपाल सिंह ने कहा अगर ये खबर सच है तो ये देश के साथ धोखा है। ओलंपिक शुरू होने से 10 दिन पहले भारत को करारा झटका लगा। 74 किलो फ्री स्टाइल पहलवान नरसिंह यादव को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद रियो ओलंपिक में भागीदारी भी खतरे में पड़ गई। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी के डीजी ने कहा नरसिंह प्रतिबंधित एस्ट्राइड के सेवन का दोषी पाया गया है। उसका बी नमूना भी पॉजिटिव निकला। जब उसका बी नमूना खोला गया तब वो खुद भी मौजूद था। पैनल ने इस मसले पर और रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि पैनल जल्द कार्रवाई करेगी। हमें तब तक का इंतजार करना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर कल लोगों के सवालों का लाइव जवाब देंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति के तौर पर 4 साल पूरा करने की पूर्व संध्या पर मुखर्जी फेसबुक लाइव पर लोगों के सवालों के जवाब देंगे। प्रश्नोत्तर का ये कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेगा, जिसका विषय होगा पीछे छोड़ते मील के पत्थर। राष्ट्रपति के पद पर प्रणब मुखर्जी के 4 साल। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के प्रेस सचिव वेणु राजामणि भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति भवन के फेसबुक पेज पर लोग अपने सवाल भेज सकते हैं।
किसानों से खरीदे गए करीब 9.5 लाख टन प्याज को बेचना शुरू करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उम्मीद जताई कि इसमें से 90% खेप अगले 2 हफ्ते में बिक जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव एंटोनी डीसा ने कहा, हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर किसानों से खरीदे गए प्याज की 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि इसमें से 90% प्याज अगले 2 हफ्ते में बिक जाएगी। प्याज की कीमतें थोक बाजार में लुढ़कने के बाद किसानों को घाटे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 जून से 30 जून के बीच किसानों से 6 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 1,04,000 टन प्याज की खरीद की थी। ये खरीद मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के जरिए कराई गई थी और इस प्याज की बिक्री का जिम्मा भी इसी एजेंसी को दिया गया है। ट्विंकल खन्ना ने वरिष्ठ अभिनेता नसरुद्दीन शाह पर उनकी टिप्पणी के लिए पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, 70 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में मध्यम स्तर लाने के लिए उनके पिता दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना जिम्मेदार है। राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल, उनकी माँ डिंपल कपाड़े ने ट्वीट किया, महोदय अगर आप जीवंत लोगों का सम्मान नहीं कर सकते तो मृतक का कीजिए। मध्यम स्तर एक ऐसे व्यक्ति पर हमला है जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। नसरुद्दीन शाह ने एक साक्षात्कार में कहा था कि 70 का दशक वो वक्त था जब हिंदी फिल्मों में मध्यम स्तर आया और तभी राजेश इस उद्योग में आए जो उनके मुताबिक एक कमजोर अभिनेता थे। वही ट्विंकल के दोस्त और फिल्म मेकर करण जौहर उनसे सहमत जताते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी अच्छी नहीं है।